लगता है अब सिर्फ तुम और मैं रह गए हैं। डैन सुनो क्लोई, वो एक जाल है। मैं जानती हूँ जानती हूँ, पर जब तक हमें पता चला पियास ने हमें मारने की कोशिश की। क्या तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, कैसे ठीक हूँ नहीं पता, पर मैं ठीक हूँ। यह शायद मुझे पता है, शायद उस सच को मैं अब तक नकारती आई थी जो मैं मुझे जाना। कोई बैकअप के बिना अंदर मत जाना। कोई फायदा नहीं, डिटेक्टिव इस वक्त मुझसे काफी दूर है। कोई बात नहीं, मैं तैयारी के साथ आया हूं। जितना मुझे याद है ये तुम्हें आसानी से मार सकता है। तो फिर ये टक्कर का मुकाबला हुआ गैंग। लगता है तुमने जिम ज्वाइन किया है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें मारने का तरीका ढूंढ निकालूंगा। मैं सुबान का पक्का डेविल हूं। क्या क्लोई ठीक है? वो ठीक है जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं। अब जब मर रहा हूं तो सोच रहा हूं कि मुझे आखिर किस चीज का डर था। मैं तो हेवन जा रहा हूं। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मैंने कहा था कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हाँ, पर वो सब शार्लेट रिचर्ड्स को मारने से पहले था। नहीं, वो एक एक्सीडेंट था। तुम्ही ने गोली चलाई थी, तुम्ही ने उसकी जान ली और ये फैसला भी तुम्हारा था। अंदर से तुम जानते हो तुम एक शैतान हो, और ये भी कि तुम महल के लायक हो जहाँ तुम उस सच के साथ खुद को सदियों तक टॉर्चर करते रहोगे। क्योंकि भले ही तुम खुद से कुछ भी कहो, तुम अपने किए को कभी नहीं बदल सकते, और ना ही अपनी असली पहचान को, और ना ही तुम। लुसिफा ये सच था। डिटेक्टिव सब सच था।